नमस्ते आदाब. सो टुडे आई विल गोइंग टू मेक करी पकौड़ा, गुजराती करी पकौड़ा. तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है. सबसे पहले पकौड़े बना के रख देंगे. पकौड़े बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको अच्छे से एक बैटर बना लेंगे. साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे, उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है. अब करी का बैटर बनाने के लिए 1 कप बेसन लेंगे और 2 कप दही लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे. साथ ही साथ ऐड कर देंगे नमक, हल्दी और पानी. पानी में देते ही ये बैटर तैरने लगा है, दैट मीन पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेगा. अब मीडियम आंच में इसको अच्छे से सब पकौड़े फ्राई कर लेंगे. लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर का पानी सब मिक्स करके घोल बना के साइड में रख दें. पैन में मस्टर्ड ऑयल ले, उसमें मेथी दाना डाले, हरा मिर्च डाले और वो जो पेस्ट घोल हमने बना के रखा था उसको डाल के अच्छे से 2 मिनट तल लें. इसमें ऐड कर देंगे बेसन और दही का जो घोल था इसमें डाल देंगे और चलाते रहेंगे कंटिन्यू जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए. इसमें ऐड कर देंगे जिंजर पेस्ट और इसको आधे थिकनेस होने तक इसको उबाल देंगे और ऐड कर देंगे पकोड़े और थोड़ा सा गरम मसाला और इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे. इसका तड़का रेडी कर लेंगे. तड़के के लिए हम लोग ज़्यादा लेंगे मस्टर्ड ऑयल और उसमें डालेंगे हींग, जीरा, मस्टर्ड सीड, लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर. पाउडर से बहुत अच्छा कलर आता है और इसको ऊपर से डाल देंगे. 10 मिनट इसको रख दीजिए और गार्निश कीजिए कोरिएंडर, धनिया पत्ता और एज यू लाइक. एंड बहुत ही सॉफ्ट अच्छा पकोड़े बनाए. इसको सर्व कीजिए गरम गरम राइस या फुलके के साथ. Mm-hmm. Ah, mm-hmm.